आसान है, आप इसे इंडियन वेडिंग गेस्ट पर भी इसे कैरी कर सकते हो, या फिर आप खुद एक ब्राइड बन रहे हो तो भी आप इसे क्रिएट कर सकते हो। सो चलिए स्टार्ट करते हैं एंड देखते हैं। सो फर्स्ट मैं यहाँ पर फेस पर टोनर अप्लाई करूँगी, एंड यहाँ पर मैंने ग्रीन टी टोनर लिया है गुड वाइब्स का। देन यहाँ पर सैफ्रॉन क्रीम लूँगी नेचर्स को के, एंड इसे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी ताकि स्किन पहले अच्छे से हाइड्रेट एंड मॉइस्चराइज हो जाए। नेक्स्ट मैं अपने ब्रॉस को फिल करूँगी एडीएस के ब्रॉ पाउडर की हेल्प से। सो फर्स्ट हम आई मेकअप करेंगे, देन हम बेस मेकअप करेंगे। इस तरह से मैं एंगुलर ब्रश की हेल्प से आईब्रोज को फिल कर लूँगी। देन यहाँ पर मैंने लिया है वेट एंड वाइल्ड का कंसीलर, एंड आईब्रोज के शार्प दिखाने के लिए इस तरह से अप्लाई करूँगी, एंड पूरी आईलिड पर इसे अप्लाई कर लूँगी। देन एक ब्रश की हेल्प से इसे ब्लेंड करूँगी, एंड ये कंसीलर काफ़ी अच्छा है। इसका वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड किया है, सो आपने नहीं देखा तो जाकर ज़रूर चेकआउट कर ले। देन यहाँ पर इसे सेट करने के लिए मैंने रिमल का कॉम्पैक्ट पाउडर लिया है। देन यहाँ पर SFR कलर्स का आई शेडो पैलेट में से ये लाइट ऑरेंज शेड लेकर अपने क्रीज पर इसे प्लेस करते हुए ब्लेंड करूँगी। ये हमारा एक ट्रांजिशन कलर होगा। सो सारे प्रोडक्ट्स की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, सो ज़रूर चेक कीजिए। एंड इन केस आपको अगर अच्छा लगा तो आप परचेज़ कर सकते हो, काफ़ी अफोर्डेबल है। देन यहाँ पर मैं एक डार्क ब्राउन शेड लेकर इसे आउटर वी पर फोकस करते हुए इसे इस तरह से ब्लेंड करूँगी। अगर आप बिगिनर भी हो तो आप इससे मेकअप को क्रिएट कर सकते हो। दोनों आइज़ पर मैं सेम इसी तरह से ब्राउन शेड को आउटर वी पर फोकस करते हुए ब्लेंड करूँगी, एंड यहाँ पर मैं एक डार्क पिंक शेड लूँगी, एंड इसे भी मैं आउटर वी पर फोकस करते हुए साथ ही ब्लेंड कर लूँगी। देन मैंने यहाँ पर सेम वेट एंड वाइल्ड का कंसीलर लिया है, इससे मैं एक कट क्रीज ड्रॉ करूँगी। देन यहाँ पर से जैकलिन हिल पैलेट में से ये ब्लू शेड लेकर इसे कंसीलर के ऊपर प्लेस करूँगी। आप अपने ड्रेस के अकॉर्डिंग आई मेकअप को चेंज कर सकते हैं, कलर्स को चेंज कर इसे क्रिएट कर सकते हैं। देन मैं यहाँ पर थोड़ा सा ग्लू अप्लाई करूँगी ताकि मैं यहाँ पर ये ग्लिटर्स को अप्लाई कर सकूँ। यहाँ पर फिंगर की हेल्प से मैं ग्लिटर प्लेस करूँगी आईलिड पर, एंड ये पर्पलिश ग्लिटर है, बहुत ही प्यारा लुक आता है। एंड अगर आप ब्राइडल हो तो ज़रूर ग्लिटर्स आपको अप्लाई करने चाहिए। देन यहाँ पर NYB का आईलाइनर लिया है, इससे मैं एक नॉर्मल सी विंग क्रिएट करूँगी, जस्ट थोड़ी सी नॉर्मल विंग आईलाइनर में ड्रॉ करूँगी। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। चलिए फेस मेकअप पर, यहाँ पर मैंने पर्पल का प्राइमर लिया है, ये काफ़ी अच्छा प्राइमर है। इसकी भी वीडियो मैं बहुत जल्द अपलोड करने वाली हूँ, स्टे ट्यून। एंड इसे अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। देन यहाँ पर मेबिलिन का 24 आवर्स फाउंडेशन लिया है, ये एक हाई फुल कवरेज फाउंडेशन है, एंड ब्राइडल को फुल कवरेज फाउंडेशन ही यूज़ करना चाहिए। मैं एक ब्रश की हेल्प से इसे अप्लाई करूँगी एंड साथ ही ब्लेंड करूँगी, एंड आप कवरेज देख सकते हो, एंड बहुत ही ईजिली ये ब्लेंड हो जाता है, एंड काफ़ी लाइट वेट फाउंडेशन है। जस्ट मैंने 500 रुपीज़ में नायका से परचेस किया था, इसकी भी वीडियो बहुत जल्द आने वाली है। इन डिटेल मैं आपको इसकी वीडियो अपलोड करूँगी। पूरे फेस एंड नेक पर हम इसे अच्छे से अप्लाई कर लेंगे, साथ ही ब्लेंड भी आप करते जाएं, ब्लेंडिंग काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर आपका बेस मेकअप अच्छा लगेगा तो सारा ही मेकअप आपका फ्लॉलेस दिखेगा। नेक पर भी आप ज़रूर अप्लाई करें,
एंड आप इसकी कवरेज देख सकते हो। नेक्स्ट मैंने यहाँ पर वेट एंड वेल का सेम कंसीलर लिया, इसे अंडर आइज पर अप्लाई करूँगी एंड ब्रिज ऑफ माई नोज, थोड़ा सा फोरहेड पर एंड थोड़ा सा जॉ लाइन पर इस तरह से अप्लाई कर सेम ब्रश की हेल्प से इसे ब्लेंड कर लूँगी। एंड ये कंसीलर भी काफ़ी अच्छा है, बहुत ही ईजिली ब्लेंड हो जाता है एंड लाइट वेट भी है। नेक्स्ट यानी शिवाना पैलेट में से मैं ये ब्राउन शेड लेकर अपने नोज़ को थोड़ा सा कॉन्टोर करूँगी एंड इसे फिंगर की हेल्प से ही ब्लेंड कर लूँगी। देन थोड़ा सा फेस को भी कंट्रोल करूँगी एंड अगर आप ब्राइडल मेकअप कर रहे हो तो आपको कंट्रोल ज़रूर करनी चाहिए क्योंकि इससे आपका फेस जो है काफ़ी स्कल्प्टेड लगता है। नेक्स्ट फेस को सेट करने के लिए, कंसीलर को सेट करने के लिए मैं यहाँ पर एनवाईबी को कॉम्पैक्ट पाउडर से सेट कर लूँगी। नेक्स्ट SFR कलर्स में से मैं ये गोल्डनिश शेड लेकर इसे हाइएस्ट पॉइंट्स पर हाईलाइट करूँगी। सो ये काफ़ी मल्टीटास्किंग आई शेडो पैलेट है। ब्रिज ऑफ माई नोज एंड टिप ऑफ माई नोज पर इसे हाईलाइट करूँगी। देन मैंने यहाँ पर मार्स का आई शेडो पैलेट में से ये पिंक शेड लेकर अपने एपल ऑफ माई चिक्स पर अप्लाई करूँगी एंड साथ ही ब्लेंड करूँगी एंड मैं थोड़ा सा हैवी ब्लश अप्लाई करूँगी। देन यहाँ पर सेम आई शेडो पैलेट में से ये ब्राउन शेड लेकर इसे लोअर लैश लाइन पर स्मोक आउट करूँगी ताकि आई मेकअप इवन लगे। NYB के काजल लेकर इसे अपर एंड लोअर वाटर लाइन पर अच्छे से अप्लाई कर लूँगी ताकि आईज जो है बिग लगे। एंड यहाँ पर सेम गोल्डन शेड लेकर इनर आइज पर हाईलाइट करूँगी। देन कलर लेकर इसे अच्छे से कर्ल करूँगी ताकि जब हम मस्कारा अप्लाई करें ये अच्छे से लेंथी हमें मिले। सो अपर एंड लोअर लैश लाइन पर इसे अप्लाई कर लूँगी। लास्टली मैं यहाँ पर NYB की लिप क्रेयॉन से पहले अपने लिप्स पर आउटलाइन करूँगी। बहुत ही प्रिटी शेड है। देन मैंने यहाँ पर NYB की मैट लिपस्टिक ली है रेड कलर में। ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा रेड शेड है एंड काफ़ी अच्छा लगा मुझे ये कलर एंड काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग लिपस्टिक है। लास्टली मेकअप को सेट करेंगे फिक्सर की हेल्प से। सो दिस इज़ आवर फाइनल लुक। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे, थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो इस वीडियो को आपने लाइक करना है। नए हो चैनल पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर हिट करें एंड डू शेयर माय वीडियोस। सो अगर आपको कोई भी रिक्वेस्ट या क्वेरीज हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइए। सो कैसा लगा ये मेकअप लुक? बहुत ही आसान है, काफ़ी अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स मैंने इसमें यूज़ किए हैं एंड आपको प्रोडक्ट्स लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी ताकि अगर आप इन केस अगर आपको परचेस करना तो आप डायरेक्ट वहाँ से परचेस कर सकते हो। सो चलिए फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अनदर रिव्यू के साथ मिलती हूँ एंड बहुत ही जल्दी ईद मेकअप सीरीज़ भी आने वाली है। सो स्टे ट्यून्ड फॉर इट। लव यू ऑल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।